मुदात्मनम सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे. I think everyone in this hall might be aware of this show, but to summarize this, I would like to put it in two lines. Shri Krishna says, whenever wickedness will prevail on this earth, I will manifest myself to destroy the evil and to save the good from yuga to yuga. I will be there from generation to generations to protect you. Ji haan. जब असत्य पर असत्य की असत्य हावी होने लगता है तो भगवान कृष्ण को हर युग में जन्म लेना पड़ता है और वो आगाज आज कलयुग में हमारे कलयुग में मैं जो भगवान के बराबर तो नहीं रखूंगी लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महाभारत के समय कुरुक्षेत्र शुरू हुआ था वो कुरुक्षेत्र की रण भूमि आज यहाँ पर इस मंच पर इस प्रांगण में तय होगी. उस रणभूमि में हम सभी लोगों को किस तरह से सहयोग देना है और किस तरह से भारतवर्ष पर शासन करना है और इस रणभूमि को तैयार किया है हमारे माननीय फेडरेशन के अध्यक्ष सुदेश यादव जी, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम का शुभारम्भ हम शंखनाद से करते हैं. इस रणभूमि को शंखनाद से आइए हम लोग सजाते हैं और जोरदार तालियों से आप सभी का साथ चाहिए और शंखनाद से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. According to our ancient scriptures, shankh is always blown before the start of any auspicious thing. So here I will invite Mr. Ram Janam Yogi. He is from Varanasi. He is also a record holder for Shankhnaad. I guarantee you, you will not stop. You won't believe in your ears how well he does blow. Please, sir, please be. मित्रों, एक बार जोर से उद्घोष होना चाहिए. बोलिए किशन कन्हैया लाल की, किशन कन्हैया लाल की. मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. की सुंदर कल्पना के साथ आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है. देश विदेश से आए हुए सभी एजेंसियों का मैं IFYCC के माध्यम से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ. मित्रों, अभी भी बहुत लोग पूछते हैं कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है. मित्रों, एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा भाई सुदेश यादव जी के लिए. सुदेश यादव जी की कल्पना क्या है, परिकल्पना क्या है, दुष्यंत कुमार की उन चार लाइनों के माध्यम से आपके सामने पेश. दुष्यंत कुमार जी ने लिखा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस ब्लू सफायर से गंगा निकलनी चाहिए, इस ब्लू सफायर से गंगा निकलनी चाहिए. आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी सर्प, लेकिन यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, सर्प लेकिन यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए. हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर यदुवंशी दिखने चाहिए, हर यदुवंशी दिखने चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना सुदेश जी का मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना सुदेश जी का मकसद नहीं है. उनकी कोशिश है कि यदुवंशियों की सूरत बदलनी चाहिए, उनकी कोशिश है कि यदुवंशियों की सूरत बदलनी चाहिए. मैं समझता हूं कि आप लोगों ने उनके उद्देश्य को समझ लिया होगा. वो कहते हैं कि कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, बस थोड़ा सा दुनिया से हटकर चल, बस थोड़ा सा दुनिया से हटकर चल. अरे लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर तो चल, कभी इतिहास कर तो पलट कर चल. बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल मेरे दोस्त, तो राही राह में आराम कैसा, तो राही राह में आराम कैसा. इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम की शुरुआत अभी हमारे सामने
बनारस से आए हैं मैडम लोगों ने, हमारी अभिलाषा मैडम और भानुश्री मैडम, इन नारी शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने शुरुआत किया। एक बार जोरदार तालियां में इन दोनों, एक हमारी बहन है एक मेरी बेटी है, दोनों जन के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहता हूं। हमारी ये बेटियां हमारी बहनें मंच के सामने आकर के बोलना भी आज तक किसी में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हमारी बहन भानुश्री बहन तो संगीत के क्षेत्र में, इनका एक गीत है वो गीत हम भजवाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदुवंश के बारे में जो इन्होंने गीत लिखा है। बाद में मैं इनका परिचय कराऊंगा। विद्या अभिलाषा है जो विनस म्यूजिक कंपनी में काम करती है। हमारे बगल में खड़े हैं राम जन्म योगी जी, यदुवंश के ऐसे लाल हैं मित्रों, ये रत्न गढ़वा कहलाने वाली पावन यदुवंश कुल में एक एक से ज्ञानी, एक एक से विज्ञानी, संत महत्व मंडलेश्वर कर्णवीर सूरवीर देशवीर पैदा हुए। उन्हीं क्रम में हमारे सामने जो खड़े हैं राम जन्म योगी जी, ये अपनी शंखनाद से इन्होंने प्रण लिया है कलुषित वातावरण को शुद्ध करने का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शंख जब बसता है तो कलुषित वातावरण, वहां जो भी भूत पिशाच सब हैं सब अपने आप भाग जाते हैं। और ये शंखनाद जो है महाभारत का भी, अभी भानु बहन ने कहा कि ये कुरुक्षेत्र है, इस प्रांगण को आज कुरुक्षेत्र यादव के इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं भी कहता हूं कि ये शंखनाद जो है भगवान कृष्ण के महाभारत को याद कराता है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ राम जन्म जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो शंखनाद करें। साथ में इनसे मैं प्रार्थना करूंगा, ये इनको 32 मिनट तक शंख बजाने का रिकॉर्ड है, 32 मिनट्स तक। राम जन्म जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 32 मिनट्स मत लीजिएगा, समय कम है। आइए शंखनाद से आप कार्यक्रम चालू करें जोरदार तालियों के साथ। श्री राम जन्म यादव जी।